हेलो गाइस, आई एम बैक। आप यकीन जानिए, मैं व्लॉग बनाते बनाते इसमें टमाटर डालना भूल गई। अब देखिए इसका क्या टेस्ट बनता है, ट्राई करते हैं। अक्सर आपको एक टिप देती हूँ, आपको पता है कि कद्दू कभी कभी जो है ना वो बहुत सख्त आते हैं और उनको मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि बिल्कुल मिक्स किए हुए कद्दू होते हैं। तो ये आप इसको तो जानते हैं, ये है एग बीटर। इसकी मदद से आप इसको अच्छी तरह जो है वो मैश कर सकते हैं। ऐसे इसको अच्छी तरह एक दफ़ा ऐसे घुमाइए, ये देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ। पता नहीं टमाटर के बगैर कैसा मज़ा बनेगा। आई होप कि अच्छा ही हुआ हो, कुछ कह नहीं सकती। लेकिन ये देखिए, ये जितने भी आपको ये सहज सहज नज़र आ रहे हैं ना, जो कि अभी एक पीस के शेप में आप इसको अच्छी तरह या घुमा के ऐसे कर लें। अक्सर जो है वो हम खाना बनाते हैं और मसाला जो है वो सही तरह मिक्स नहीं होता, तो आप उसका भी यही तरीका है कि आप मसाले को जो है वो टाइम लगवाएं। टाइम लगाने के बाद तो आप उस एग बीटर की मदद से अच्छी तरह उसको जो है वो मिक्स कर लें, तो आपका एक भी पीस जो है वो प्याज का किसी भी चीज़ का टमाटर का उसमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी जो टेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने इसमें टमाटर क्यों नहीं डाला। कोई पता नहीं अब क्या टेस्ट बनता है। ओ प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों को पसंद आ जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा जो है वो ऑयल भी ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने कॉफ़ी के जार में जो है वो ऑयल रखा हुआ है, बस देख लें। स्पून भी ना साथ है, इसमें हम ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल ऐड करके इसको हम मज़ीद अच्छी तरह पकाएंगे। ये देखिए अभी कैमरा मेरे हाथ में, तो मैं सही तरह इसको मिक्स नहीं कर पा रही, लेकिन ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये कैसे इसके जो पीसेस थे वो मैश हो गए हैं। देखें अभी इसकी बहुत प्यारी सी लुक आएगी। चले मैं आपको बिल्कुल रेडी करके फिर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, पर दुआ कीजिएगा टमाटर के बगैर मज़े का बना हो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है।